असलम डियर स्टूडेंट माई नेम इज़ रावय सलमान हेरम योर कम्प्यूटर टीचर नाउ स्टूडेंट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल अकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मोलाइट इंटरनेशनल पब्लिश स्टूडेंट प्रीवियसली हम लोग अपनी जो है असाइनमेंट्स अपनी एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर रहे हैं आज हम चैप्ट नंबर थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थ्री आपका एल्गोद प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है तो एल्गो मैन प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हम पहले भी हम अपने वीडियोज़ को जो है आप लोगों ने देखी होंगे और चैप्टर को रिव्यू किया होगा आज उनके जो हम एक्सरसाइज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है चूज द राइट ऑप्शन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है आपने इसमें सेलेक्ट करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है क्वेश्चन नंबर वन में हम बात करते हैं नंबर वन के इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डेट कैन बी कैरीड आउट टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स स्टेप्स को जो हम तरतीब देते हैं वो क्या कहलाता है प्रॉब्लम बी एल्गोरिथम सी सोलूशन डी प्रोग्राम तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका आता है ऑप्शन बी एल्गोरिदम एल्गोरिथम में जो हम काम करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं परफॉर्मेंस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है नंबर टू हम बात करते हैं विच इज़ अ प्रोसेस टू फॉलो अ कंप्यूटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा प्रोसेस हम सबसे सब पहले देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ए एल्गोरिथम नंबर बी इनपुट प्रोसेस आउटपुट नंबर सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग नंबर डी प्रोग्रामिंग तो इसमें आपके पास ऑप्शन आती है ऑप्शन बी जो आपके पास है आई पी ओ भी के है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट नंबर थ्री विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस सबसे पहला स्टेप क्या है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्लियर करने के लिए सेलेक्ट अ सोल्यूशन डिवेल पोटेंशियल सोल्यूशन डिफाइन द प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट द सोलूशन तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो है डिफाइन द प्रॉब्लम सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होगी तो फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सी जो है द राइट आंसर नंबर फोर इन विच स्टेप वी नीड टू इंश्योर टू रिक्वायर्ड रिस रिमेन अवेलेबल एंड मोनीटर प्रोग्रेस हमने ये देखना है कि जो हमने ये इंश्योर करना है कि हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है ए सिलेक्ट सोलूशन सोल्यूशन को सलेक्ट करना है इम्प्लीमेंट द सोलूशन सी डिवेलप अ पोटेंशियल सोल्यूशन डिफाइन द प्रॉब्लम तो इसमें है इम्प्लीमेंट दल्यूशन ऑप्शन बी के हम प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी प्रॉब्लम है जो भी काम है उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना होता है सोलूशन पे नंबर फाइव है विच रेफर्स टू एक्ट टू इंस्टेंस डूइंग अगेन थिंग्स अगेन अगेन वो कौन सी चीज़ है वो कौन सा काम है कि प्रोग्रामिंग में हम काम को बार बार करते हैं आपके पास ऑप्शन है फ्लो चार्ट रेपटेशन स्टेटमेंट सीक्वेंस तो ऑप्शन बी इज़ द राइट right आंसर रेपिटेशन रेपटेशन वर्ड रुपीट से निकला हुआ है रुपीट काम होता ही दोहराने को है कि हम रेपटेशन यूज़ करते हैं फिर आपके पास सिक्स ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलो इज लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज़ अमंग विदन अ प्रॉब्लम पेटर्न रिकगनाइजेशन डीकम्पोजिशन एल्गोरिदम डिजाइन एब्सट्रेक्शन तो सिक्स वाले में आपके पास जो आएगी वो आपके पास है पैटर्न रिकनिगनेशन अ सिंबल डेट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग जो है आप लोगों ने जब फ्लो चार्ट में हमने डिसीजन मेकिंग लेनी होती है तो हम कौन सा सिंबल कौन सा साइन यूज़ करते हैं ओवल का बी पैरोग्राम का सी रेक्टेंगल का डी डायमंड का तो ऑप्शन डी को एक डायमंड शेप होता है आपके पास डायमंड का शेप आपको साइन नज़र आ रहा है ये वाला जो साइन है ये आपका ऑप्शन में आपके पास आता है एट्थ है विच इज़ द क्यूरिकल स्टेप डेट इन Digging डीपर टू आइडेंटिफाई वट इज़ नीड टू बी सॉल्व हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ का सोलूशन को, को हल करना पड़ता है नंबर ए सेलेक्टर सोल्यूशन सोल्यूशन को सेलेक्ट करें नंबर बी एवलेट द प्रॉब्लम डिवेलप पोटेंशियल सोल्यूशन डी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एट्थ वाले में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो है डी डिफाइन अ प्रॉब्लम तो ये है आपके पास नाइन्थ वाला है विच इज़ द रिपीट क्लास एग्जीक्यूटिंग ऑफ बॉडी फिक्स नंबर ऑफ टाइम एक चीज जो फिक्सड नंबर ऑफ़ टाइम्स में चलती है फिक्सड आपके पास जो चीज़ होती है इन्फिनइट लूप बिफिनाइट लूप सी सीक्वेंस डी आपके पास है नान ऑफ दिस तो इसमें आपके पास ऑप्शन है फिनाइट फिनाइट का मतलब होता है महदूद एक लिमिट तक आप उसमें ऑप्शन लूप चला सकते हैं लास्ट ऑप्शन है इट इज़ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू गिव स्टेप टू कैन गिव स्टेप बाई स्टेप सोलूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम आपने डायग्रामेटिकली बताना है डायग्रामेटिकली जब हम बताते हैं तो ए एल्गोरिज्म बी कोड सी फ्लो चार्ट डी सीक्वेंस तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो आपका डायग्रामेटिक है उसमें हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था एरोलाइंस के बारे में पढ़ा था डायमंड शेड रेक्टैंगल की आपके पास डायग्रामेटिक है